इस वीडियो अपडेट में आज हम बात करेंगे हरियाणा से पंजाब के बीच कौन सी नई ट्रेन रेलवे शुरू करने वाली है। इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हरियाणा और पंजाब के तमाम रेलवे न्यूज़ का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को समय पर अलग अलग ट्रेनों की सुविधा देने का काम करती है और इन ट्रेनों का डिटेल्स की जानकारी देने का काम हमारा चैनल करता है। कई ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे बोर्ड से पत्र मांगा गया है और ऐसे में इस बार हरियाणा से पंजाब के बीच नई ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। अब हरियाणा के अंबाला से पंजाब की ओर वापस से कुछ ट्रेनों को शुरू किया जाएगा और इन ट्रेनों को मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तर्ज पर ही शुरू किया जाएगा। हालांकि इन ट्रेनों के लिए यात्रियों को किराया थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यात्रियों को सफ़र करने में आसानी हो जाएगी और सफ़र करने में भी कम समय लगने वाला है। इस रूट पर चलाई जाएंगी कुछ और नई ट्रेनें। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को बड़ी राहत दी जाएगी और यात्रियों को अब अंबाला से पंजाब की ओर कई ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। इन ट्रेनों को अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तर्ज पर चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को कम समय में यात्रा पूरा करने का अनुभव मिलेगा। हालांकि महामारी से पहले इन ट्रेनों का संचालन मेमू और डीएमयू के तौर पर किया जा रहा था, लेकिन अब यह ट्रेन को कन्वर्ट करके इनका संचालन एक्सप्रेस ट्रेन की तर्ज पर किया जाएगा। वहीं ट्रेन नंबर 04531 अंबाला धूरी ट्रेन को 11 जुलाई से शुरू किया जाएगा, जो कि शाम में 5:35 पर अंबाला से चलेगी और शाम में 7:50 पर धूरी पहुँचेगी। यह ट्रेन बालासहर, शंभू, राजपुरा के साथ साथ वो तमाम रेलवे स्टेशन पर रुकेगी जिनका पहले स्टॉपेज देखने को मिलता था। दूसरी दिशा में यह ट्रेन 13 जुलाई को चलेगी। ट्रेन नंबर 04549 के साथ अंबाला पटियाला से इस ट्रेन का संचालन को हरी झंडी मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको पसंद आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब नई ट्रेनों के अन अपडेट के लिए।